एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्राची और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हलवाई जैसे पेड़े घर पे कैसे बनाएं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं। बिफोर आई गेट फर्दर इन द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन टू नॉट मिस एनी अपडेट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आपको पेड़ा बनाने की रेसिपी जाननी है देन डू कीप वॉचिंग। इंस्टेंट पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क। मैंने 400 मिलीलीटर वाले कैन का ऑलमोस्ट 1/3 यूज़ किया है। फिर हमें चाहिए होगा 1 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून घी, 1/2 कप दूध, सैफ्रन और इलायची पाउडर। सैफ्रन यानी केसर ऑप्शनल है। चलिए पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध में केसर डालकर साइड रख लें, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करें। जब घी पिघल जाए तब उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल दें। मैंने लगभग 150 मिलीलीटर कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। हमें फ्लेम को लो रखना है और मिक्सचर को चलाते रहना है ताकि पैन से सटे नहीं। नॉनस्टिक पैन यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 मिनट बाद जब घी कंडेंस्ड मिल्क में अच्छे से मिल जाए तब हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। हमें स्पैचुला को तब तक चलाते रहना है जब तक मिल्क पाउडर कंडेंस्ड मिल्क में अच्छे से मिल ना जाए। बिल्कुल भी लम्प्स नहीं फॉर्म होना चाहिए। लगभग 2 से 5 मिनट सौटे करने के बाद आप इलायची डाल के मिक्स कर लें। जब हमारा मिक्सचर थोड़ा स्टिकी शेप लेने लगे तब इस स्टेज पर हम अपना सैफ्रन मिल्क डाल देंगे। दूध डालने के बाद 1 से 2 मिनट और मिक्स करें। देखिए केसर डालने से हमारा मिक्सचर कैसे येलोइश हो गया है। जब हमारा मिक्सचर रिड्यूस होके वापस से स्टिकी शेप में आ जाए और पैन से बिल्कुल भी ना चिपके तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमें इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए साइड रख देना है, पर ध्यान रहे हमें मिक्सचर को ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अब एक प्लेट को घी से ग्रीस करके पेड़ा का मिक्सचर उसमें रख दें। अब हमें इसके छोटे छोटे पोर्शन लेकर इसे पेड़े का आकार देना है। अपने हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसे रोल करके गोल बनाएं और सेंटर में प्रेस करके पेड़े का आकार दे दें, बिल्कुल इस तरह से। अगर मिक्सचर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप बॉल्स बनाने के पहले अपने हाथों में घी भी लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारे पेड़े बना लें और इस स्वादिष्ट मिठाई के मज़े उठाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो।